बैठ जाओ बहू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम वो एक नंबर करके आ जाए क्या सर, हम वो आ जाए एक नंबर। Go! Go! Go!
जो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय कराटे बालिका अंडर 14-17 और 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिता है, इसमें 19 जिला की टीम प्रतियोगिता में सहभागिता करना था, लेकिन अब तक 12 जिला की टीमों ने इसमें 12 जिला की लड़कियों ने अंडर 14-17-19 में भाग लिया है और यह प्रतियोगिता 22 से 24 तारीख तक है, 24 को इसका समापन होगा। ठीक, धन्यवाद। का किस लिए आए हुए हैं लोग? बाका यहाँ पे जो स्टेट लेवल का मैच होने वाला कराटे में जो अभी हो रहा है, इसमें मतलब हम लोग सेलेक्शन हुआ मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल निकाला था उन लोगों को स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट किया गया, तो आज जो है जो गर्ल्स फाइट है वो आज कराटे का होने वाला है जो भी हो रहा है, और हम लोग जिसमें कि गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीते थे तो फिर अभी स्टेट लेवल में बाका खेल रहे हैं। आप किस जिला से आए हैं आप लोग? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से कितने प्रतिभागी आए हुए हैं यहाँ? अच्छा, बॉयज भी इसमें है? नहीं, सिर्फ गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स का चल रहा है ना। अच्छा, क्या आप आशा करते हैं इस खेल से? उम्मीद है कि गोल्ड मेडल खगड़िया के लिए आप गोल्ड मेडल लेंगे इस बार? हाँ। निश्चित? हाँ, चलिए मेरी ओर से आपको बधाई है, धन्यवाद। आप लोग किस जिला से हैं, यहाँ किस लिए मौजूद है, यहाँ क्यों आए हैं? राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बांका जिला से सब छात्र आए हैं। अच्छा, ये स्टेट लेवल का ये प्रतियोगिता? हाँ, है जी, स्टेट लेवल का है सर। अच्छा, इसमें बांका जिला का क्या परफॉर्मेंस अभी तक? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आगे जितने भी हम लोग प्लेयर हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे भी। अभी तक बांका को अच्छा से अच्छा मेडल मिल गया है, 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। इसमें कौन किसने प्राप्त किया बताइए तो, इसमें से कौन? मेघा कुमारी नाम है इसका, ये गोल्ड मारी हुई है और अंदर भी है, ये इसका वैष्णवी कुमारी है, ये सिल्वर है और अभी हम लोगों का मैच सबका बाकी है सर। उम्मीद है और मेडल आने की संभावना है? हाँ, यस सर। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है कि अभी के दरमियान में माता पिता अपनी बच्चियों को जो है ना घर से बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, है ना? ऐसी स्थिति में आप वैसी माता पिता को और बच्चों को क्या कहना पसंद करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हम तो बच्चों को यही बोलेंगे कि आप आगे वाले को देख के, जैसे कि हम लोग बांका जिला में सब लड़की इतना अच्छा प्रदर्शन देते हैं, आप हम लोगों को देखिए, कुछ सीखिए, अपने माता पिता को जाके कहिए कि मम्मी उसकी दीदी देखिए वो दीदी अच्छा कर रही है, आपके माता पिता समझेंगे, ताकि आप भी इच्छुक, आपको भी इच्छुक है कराटे के लिए, आपके माता पिता ये चीज समझे और आपको भेजे सीखने के लिए। अच्छा, एज ए बेटी आप अभी वैसे अभिभावकों को क्या कहना पसंद करेंगे कि बेटी को जो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं, खेल में उसको नहीं शामिल करते हैं तो इसे नहीं? अभी सर लड़कों से ज्यादा आगे लड़कियां हैं सब चीज में, तो हम यही बोलेंगे कि आप लड़की को एक बार आगे करके तो देखिए, वो आगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, माता पिता को खेलने के बाद पता चलता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप लोगों को। थैंक यू।